प्रजातकम आज पढ़ाएंगे। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अपुरवन। बीते प्रथम कल्प में चौपाइयों ने, जानवरों ने सिंह को यानी शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनयः सुवर्ण हंसम। मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य माने उस सुवर्ण हंस राज, उस सुवर्ण राज हंस की बेटी दुहिता माने बेटी हंस पोतिका अतीव रूपवती अतीव सुंदर सतस्य वरम अदात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वरुणयात इति। स माने उसने यानी किसने, सुवर्ण राज हंस ने। तस्य माने अपनी बेटी को, सुवर्ण राज हंस ने अपनी बेटी को वरम अदात यानी आशीर्वाद दिया, यानी जो है वर दिया यानी वरदान दिया। यत सा जिससे वो यानी वो कौन, हंस पोतिका आत्मनिश्चित रुचितम जो अपने आप को अच्छा लगे। आत्मनिश्चित रुचितम अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो होएगा आत्मनः चित रुचितम अपने मन पसंद। स्वामिन माने स्वामी यानी पति। वरणयात इति यानी वर हंस ने अपनी बेटी हंस पोतिका को ये वरदान दिया कि तुमको जो पसंद हो अपने मन पसंद पति का वरण करो। हंस राजा तस्य वरम दत्त्वा हिमवत शकुनि संघे सन्यपतत। हंस राज ने उसको वरदान दे करके हिमवत शकुन संगे सन्यपतत हिमालय पर्वत में पक्षियों के साथ उतरे। नाना प्रकारा हंस मयूरादयः शकुन गणाः शम आगत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले। अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि, हंस मोर आदि पक्षीगण शम आगत्य आ करके एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर सन्यपतन माने जो है एकत्रित हो गए। हंस राज आत्मनः चितरुचितम स्वामिकम आगत्य वर्णयात। हंस राज आत्मनः, हंस राज ने अपने मन पसंद पति का वरण आ करके वरण करे। इति दुहितरम आदिदेशः, ऐसा अपनी बेटी को आदेश दिया। सा शकुन संघे अवलोकयंती, वह पक्षियों के समूह को देखती हुई। मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूर दृष्ट्वा अयम मे स्वामी को भवति इत्यभासत। मणिवर्ण ग्रीवम यानी मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र प्रेक्षण मयूरम दृष्ट्वा, चित्रवत मोर को देखती हुई, अयम मे स्वामी को भवतु यही मेरा पति हो इत्यभासत, ऐसा बोली। मयूरः अद्यापि तावन में बलमन पश्यसि इति अति गर्वेण, आज भी तुम हमारा बल नहीं देखोगी इति अति गर्वेण, ऐसा घमंड के साथ। लज्जांच त्यक्त्वा और शर्म को छोड़ करके तावन महता यानी तावत महता शकुन संघस्य मध्य पक्षो प्रसार्य, उन बहुत से पक्षियों के बीच में अपने पंखों को फैला करके उस मोर ने नर्तितुमार अब्धवान, वो नाचने लगा। वो जो है अपनी शर्म को छोड़ करके उन पक्षियों के बीच में नाचने लगा। नृत्यन च प्रतिछन्नो अभूत
और नाचते नाचते वो प्रतिछन्न अभूत, वो जो है नाचते नाचते वो नंगा हो गया। सुवर्ण राज हंसा लज्जिता अस्य नैव हुरीह अस्तिन बरहाणाम समुत्थाने लज्जा। सुवर्णराज हंस शर्मा करके कहने लगे, अस्य नैव हुरीह अस्तिन बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, ना तो इसको कोई शर्म है संकोच है और ये अपने पंख उठाने में भी ये लज्जा नहीं करता। न अस्मै गतत्र पाय स्वादुहितरम दास्यामि, मैं इसको अपनी बेटी नहीं दूंगा। इत अकथयत, ये उन्होंने सुवर्णराज हंस ने कहा। हंस राजा तदैव परिसन मध्य आत्मना भागने आय हंस पोत काय दुहितरम अदात। हंस राज ने उसी परिषद के बीच में, उसी सभा के बीच में अपने भांजे यानी जो है अपनी बहन के लड़के यानी अपने भांजे हंसपोत को अपनी बेटी दे दी। मयूरो हंसपोतिका अप्राप्य लज्जिता तस्मात अस्थानात पलायिता। मयूर भी हंस की बेटी को न पा करके शर्मा गया और उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत। हंसराज भी प्रसन्न चित्त होकर के अपने घर चले गए। इस तरह से बच्चों जो है ये लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना और हमारी वीडियो